हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी खास बातें बताऊंगी जिससे कि आपका वेट लॉस जल्दी होगा और बहुत ही हेल्दी तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि हमें अपनी बॉडी के लिए रोज़ एक घंटा देना ज़रूरी है। उसके लिए हमको सुबह 5 बजे उठना है। उठने के बाद हमको गर्म पानी 2 गिलास पीना है। फ्रेंड्स, अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो हमको स्टील का ग्लास नहीं यूज़ करना है, कांच के मग में ही हमको गर्म पानी पीना है। और कैसे पीना है, आप गर्म पानी कर लीजिए, उसको लेके ज़मीन पर आसन लगा के आराम से उसको शिप शिप करके पीजिए। और पीने के साथ में ही आपको कोई भी धार्मिक बुक ले लीजिए या जो भी आपको बुक अच्छी लगती हो, उसको 5 मिनट आपको पढ़ना है। उसको पढ़ने से हमारा माइंड अच्छा रहता है और दिन भर हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है। फ्रेंड्स, इसको मैं खुद भी करती हूँ। इसको करने से बहुत ही अच्छा फील होता है, इसीलिए आपसे मैं ये सब बातें शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने इसको पानी पिया और रीडिंग किया, ये आपको डेली रूटीन में लाना है। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा और जल्दी होगा। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसी टाइम पे ही सारी चीज़ें आपको करनी हैं और आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। तो फ्रेंड्स, आपने 1 गिलास या 2 गिलास गर्म पानी पी लिया, फिर जब अगर आप 5 बजे उठते हैं, उठने के ठीक 2 घंटा बाद हम लोग को नाश्ता करना रहता है। नाश्ते में आप कुछ भी खा लीजिए, जो भी आपको भूख लग सकती है खा लीजिए, बशर्ते उसके रोटी पराठा नहीं खाना है, अवॉइड करना है। कुछ लाइट चीज़ें खाइए, फाइबर की चीज़ें खाइए, जैसे खड़ी मूंग है या चना है। चना आपको खाना है तो अंकुरित करके खाइए। और फ्रेंड्स, हम लोग को पानी पीने के बाद सुबह एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। जो लोग नहीं कर सकते हैं या जिन लोगों को बॉडी में दिक्कत है, जिन लोगों को थकान हो जाती है, तो वो लोग थोड़ी देर करें, बैठने वाला कर लें, योगासन कर लें, और उसके बाद मेडिटेशन भी हमको करना है। तो फ्रेंड्स, 7 से 8 के बीच में आप ब्रेकफास्ट अपना कर लीजिए। फिर उसके बाद में हमें आपको लंच करना है। लंच में आपको क्या करना है, खाना भरपूर लीजिए, जो भी आपको खाने का मन करे, दाल चावल सब्जी रोटी सब चीज़ खाइए, लेकिन उसको खाने के लिए धीमे धीमे खाइए। फ्रेंड्स, जितनी देर आप खाना खाने में लगाएंगे, उतनी ही हमारी बॉडी में एनर्जी जाएगी, उतनी ही कैलोरीज हमारी बर्न होंगी, क्योंकि हम कहते हैं ना, चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। इसलिए जितनी बार एक बाइट को आप धीमे धीमे खाएंगे, उतना खाना हमारा जल्दी से अंदर पचेगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के 1/2 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और 1/2 घंटे बाद पानी नहीं पीना है। फिर आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमको आप आसन आता है, उस आसन में आप बैठ सकते हैं या फिर 20 से 25 राउंड आप धीमे धीमे चल सकते हैं। उसको हमें जल्दी जल्दी नहीं वर्कआउट करना है, धीमे धीमे चलना है खाना खाने के बाद। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमको दिन में सोना नहीं है। खाना खाने के बाद हमको दिन में सोना नहीं है। आप लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन हमको सोना नहीं है, क्योंकि आप अगर सोते हैं तो वो सोने से हमारा फैट लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता है। फिर अगर जल्दी वेट लॉस करना है तो शाम को आप फिर वर्कआउट कर लीजिए। वर्कआउट के कितने सारे वीडियोस आते हैं, कुछ भी हल्का फुल्का कर लीजिए, और वर्कआउट करने के बाद आप मेडिटेशन ज़रूर करें। फिर उसके बाद में हमको आता है डिनर का टाइम। डिनर कब करना है, डिनर हमको 7 बजे तक कर लेना है, क्योंकि जो हमारा ये 7 बजे से सुबह 5 बजे तक का टाइम रहता है, ये हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको 3 दिन आप कंटिन्यू करिए। 3 दिन करेंगे तो आपकी बॉडी खुद ही अच्छी फील होगी, और अगर हमेशा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको हमेशा करने से ना आपका वेट बढ़ेगा और आपका वेट एकदम नॉर्मल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मुझको इतना ही बताना था, क्योंकि ये रूटीन मैंने भी फॉलो किया है, इसीलिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रही हूँ। इसको ज़रूर करिए, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।